ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स विच डिफर ओनली इन देयर बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, ये वो आइसोमर्स होते हैं जो जिनका बिहेवियर, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट में डिफर कर जाता है, ठीक है। रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू द सेम एक्सटेंट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो रोटेशन करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट की टूवर्ड्स राइट या फिर लेफ्ट, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो एक आइसोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी है। अगर वो राइट साइड को हो रहा है तो उसकी अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, अगर लेफ्ट को है तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और अगर कोई हमारे पास मतलब आइसोमर है वो किसी भी साइड को नहीं कर रहा है, ठीक है, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट को, तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू एनेंशियोमर्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट इन देयर इंटरेक्शन विद काइरल सब्सटेंस एंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, याद है ना आपको, ठीक है। तो वो आइडेंटिकल ही होंगे, लेकिन उनकी काइरल सब्सटेंस और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को मतलब किस तरह से वो ऑप्टिकली एक्टिव है उस चीज में वो डिफर करेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है इन प्लेन पोलराइज लाइट द कंपोनेंट इलेक्ट्रिक, आपको इसको एक्सप्लेन करते हूँ कि होता क्या है। हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह होती है, रेडिएशंस होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी लाइट सोर्स है वो अपनी लाइट को सारी डायरेक्शंस में स्कैटर करता है, ठीक है। तो बाय यूजिंग अ स्पेशल हम लोग कुछ सब्सटेंस यूज करके क्या करते हैं कि उन लाइट को एक सिंगल वे में ट्रांसफर करवाते हैं अपने सैंपल से। तो उस लाइट को जब हम लोग एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल करवाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, द वेव वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है फर्स्ट में कि नॉर्मल लाइट है हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्मल लाइट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट ने क्या किया, एक ही उसको डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब हम उसको सैंपल में से अपने आइसोमर्स में से पास करवाएंगे तो हमने बताया कि या तो राइट साइड को रोटेट कर जाएगी लाइट, या फिर अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा सब्सटेंस से, या फिर लेफ्ट साइड को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी एनेंशियोमर है जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर लेफ्ट साइड को रोटेट करता है तो उनको हम कैसे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस साइन से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है, तो ये माइनस क्या शो करता है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इस आइसोमर ने हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की है। अगर पॉजिटिव साइन लगाओ तो क्या होता है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसी हमने पास करवाई है प्लेन पोलराइज वैसी ही सिंगल डायरेक्शन में आ जाए, कोई रोटेशन ना हो, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो हमने पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ पोलराइज लाइट का, ठीक है। अब प्लेन पोलराइज लाइट अराइजेस फ्रॉम पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू अ पोलराइजर, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज कैसे बनती है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑलरेडी ऑर्डिनरी लाइट लैंप है हमारे पास, ठीक है, उसको हम एक पोलराइजर में से पास करते हैं। पोलराइजर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है उसको हम पोलराइजर बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज हमारे पास क्या होता है, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म को हम जनरली यूज करते हैं अपने, ठीक है, पोलराइजर एज अ पोलराइजर। और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिमीटर, ठीक है। पोलैरिमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज पोलराइज लाइट टू ट्रेवल थ्रू अ सैंपल ट्यूब कंटेनिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड परमिट्स मेजरमेंट ऑफ डिग्री टू विच द लाइट इज रोटेटेड, ठीक है। तो पोलैरिमीटर क्या करता है कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करके सैंपल में से जो भी हमने जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उस सैंपल में से पास करता है, और उसके बाद एक हमारे पास
एनालाइजर लगा होता है जिसमें से हम लोग डिग्री ऑफ रोटेशन चेक कर लेते हैं कि क्या हुई है लाइट की। ठीक है, देखिए ऐसे काम करते हैं। यहाँ पे एक आपको लाइट सोर्स दिखाई दे रहा है, ये लाइट सोर्स है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट हमने बात की पहले ही कि हर डायरेक्शन में जैसे जा रही है। उसके बाद ये पोलराइजर है। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजर लग रखा है, इसने क्या किया कि सिंगल डायरेक्शन में उसको कर दिया। ठीक है, लाइट को। अब यहाँ पे देखो ये सैंपल ट्यूब है, इसमें हम लोगों ने अपना कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये कि सेम एज इट इज लाइट हमारे पास बाहर आ गई है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट में कोई भी रोटेशन नहीं हुई है। तो इसमें क्या हुआ, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, जो सैंपल क्या है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है बच्चे, टाइम से ज्वाइन किया करो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। विद ए कायरल कंपाउंड द लाइट दैट एग्जिस्ट सैंपल ट्यूब रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये पता चल गया कि ये ए कायरल कंपाउंड है। ठीक है, अ कंपाउंड दैट डज नॉट चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई भी उसका पाथ नहीं चेंज करता है या फिर किसी डायरेक्शन में नहीं रोटेट करता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, आपको कायरल तो पता है ना क्या होते हैं? नो चलो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कायरल एटम जैसे आपको मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते हैं। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ विद डायग्राम। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, इन्होंने बोले विद कायरल कंपाउंड, और कायरल कंपाउंड में एक और चीज होती है कि उसके जैसे कार्बन बॉन्ड होगा ना, तो उसके साथ चारों जो ग्रुप्स लगे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसमें कोई सिमिट्री नहीं होगी, और जो ए कायरल होते हैं उसमें सिमिट्री होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि विद कायरल कंपाउंड क्या होता है, जैसे कायरल कंपाउंड में आपको दिख रहा है ये लाइट सोर्स है। ठीक है, सेम वैसे ही होगा, लेकिन ये कायरल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एक साइड को किसी मतलब रोटेट कर रहा है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे सैंपल को क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल है। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड ये पोलैरिमीटर दिखाया है, वैसे हमने पहले भी देख लिया है क्या यहाँ पे लाइट सोर्स दे रखा है। ठीक है, ये निकोल प्रिज्म या फिर पोलराइजिंग फिल्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास पोलराइज लाइट आ गई, प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो सैंपल ट्यूब है, यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी डालते हैं यहाँ पे सैंपल, जिसकी हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनालाइजर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस साइड को कितनी डिग्री पे रोटेशन हुई है, राइट साइड हुई है कि लेफ्ट साइड हुई है। ठीक है, देन है स्पेसिफिक रोटेशन, एक स्टैंडर्ड हम लोगों ने कर रखा है जिसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, पोलराइज लाइट की स्पेसिफिक रोटेशन इज अ स्टैंडर्डाइज फिजिकल कॉन्स्टेंट फॉर द अमाउंट दैट अ कायरल कंपाउंड रोटेट। ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्डाइज स्टडी करते हैं कि कोई भी कायरल कंपाउंड कितनी प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये देखिए आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है, स्पेसिफिक रोटेशन डिनोटेड बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इन टू सी। ठीक है, तो ये जो अल्फा है ये हमारे स्पेसिफिक रोटेशन को कर रहा है शो, और ये वाला जो है ये हमारे डिग्री ऑफ रोटेशन मतलब ऑब्जर्व कितनी हमारे एनालाइज हम लोगों ने कितनी की है कि कितना हमारा सैंपल रोटेट हुआ है, उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन एल इज द लेंथ, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। ठीक है, कि कितनी लंबी हमारे पास सैंपल ट्यूब है। एंड देन सी इज द कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये सेम चीज उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन की है कुछ पॉइंट। ए लाइट सोर्स प्रोड्यूस लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये वन बाय वन इनको एक्सप्लेन किया है। देन पोलराइजिंग फिल्टर क्या करता है, उनको ओनली अलाउज थ्रू लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन। देन सी पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि प्लेन पोलराइज लाइट पासिस थ्रू द सैंपल। उसके बाद क्या होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट बन गई है, उसके बाद वो सैंपल से पास होगी। देन डी में कहा है इफ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अगर तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है हमारे सैंपल में तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। एनालाइजिंग फिल्टर इज टर्न सो दैट द लाइट रीचेस एज मैक्सिमम। ठीक है, तो हम उसको सेट करते हैं एनालाइजर को, उसमें से हम लोग हमें पता चल जाता है कि ऑब्जर्वर क्या करता है, फिर उसके बाद एनालाइजर में से देख के बता देता है कि कितने डायरेक्शन में कितनी डिग्री हमारा जो
सैंपल ने लाइट को रोटेट किया है, ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को कैसे डिनोट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है, उस चीज पे एक्सप्लेन किया है। दी रोटेशन ऑफ पोलराइज लाइट कैन बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो तरह से हो सकती है। इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, दैट इज डिनोटेड विद प्लस और स्मॉल डी, ठीक है। एक हमारे पास कैपिटल डी भी आता है, ठीक है, उसमें भी इस चीज का होता है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो होगा, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है तो वो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल डी से हम उसको डिनोट करेंगे। देन इफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे माइनस साइन से और स्मॉल एल से, ठीक है। कह रहे हैं कि टू एनेंशुमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू एन इक्वल एक्सटेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एनेंशुमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पास एनेंशुमर्स है, एनेंशुमर्स क्या है, तो आइसोमर्स ना, तो जो एक आइसोमर होगा वो इक्वल, मतलब दोनों जो आइसोमर्स होंगे एनेंशुमर में वो इक्वल इक्वल अमाउंट में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो एक अगर प्लस फाइव डिग्री पे रोटेट कर रहा है तो प्लस फाइव क्या होगा, प्लस फाइव क्या होगा, कोई बताएगा? एक्स्ट्रो रोटेटरी है वो, मतलब राइट साइड को क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी प्लस फाइव होगा और उसका लीवो रोटेटरी भी माइनस फाइव होगा उस आइसोमर में, ठीक है। देन है काइरल एंड ए काइरल। अब हम पढ़ेंगे कि काइरल और ए काइरल क्या होता है, ठीक है। काइरल, अच्छा, ऑल्दो एवरीथिंग हैज मिरर इमेज, ये याद रखना है कि हर चीज की मिरर इमेज होती है, ठीक है, लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि कुछ मिरर इमेजेस हमारे पास होती हैं सुपर इम्पोजेबल और कुछ होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर, मतलब इम्पोज नहीं हो पाती है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट दैट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज नोन एज ए काइरल, ठीक है। तो ए काइरल वो सब्सटेंस है, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ठीक है। एंड काइरल क्या है, काइरल मॉलिक्यूल्स वो हैं जो मिरर इमेजेस तो हैं बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, ठीक है। तो काइरल में क्या होता है कि जनरली कार्बन एटम की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें, ठीक है, और फोर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास अटैचमेंट लगी होती है अपने कार्बन के साथ, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने दिखाया कि सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, ठीक है, और मिरर इमेजेस क्या है। अब देखिए आपके दोनों हाथ जो है वो मिरर इमेजेस तो हैं एक दूसरे की, ठीक है, लेकिन हम जब इसको उठा के राइट हैंड को उठा के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हम राइट हैंड को उठा के लेफ्ट हैंड पे रखेंगे जैसे यहाँ पे दिखा है, या फिर लेफ्ट हैंड को उठा के राइट हैंड पे रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से, हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो मिरर इमेजेस तो होते हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं? काइरल मॉलिक्यूल। हाँ जी, ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, काइरल, काइरल मॉलिक्यूल की एग्जांपल है ये हमारे पास, ठीक है। तो समझ आ रहा है ना कि हम लोग सुपर इम्पोजेबल कैसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि मिरर इमेजेस है तो उसको साथ में ऐसे मिला दिया, उसको उठा के दूसरे के ऊपर रख के देखना होता है, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि कौन सा काइरल है कौन सा ए काइरल है। ऐसे यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दे रखी है, ठीक है। वी कैन नाउ कंसीडर सेवरल मॉलिक्यूल्स टू डिटरमिन वेदर और नॉट दे आर काइरल, ठीक है। तो अब जैसे वाटर का दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, H2O, तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग उठा के रख रहे हैं मिरर इमेजेस को, तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो ये कि हमें पता चल गया कि ए काइरल है, ठीक है। देन हमारे पास है ब्रोमो क्लोरोमिथेन, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है बट दे आर मिरर इमेजेस, तो ये क्या है, काइरल। हाँ, ठीक है। देन इन्होंने बोला है अ कार्बन विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स इज अ काइरल सेंटर, ठीक है। तो हमने ये पहले भी पढ़ लिया कि काइरल हमारे पास कार्बन कौन सा होता है जिसके पास फोर डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स लगी होती हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो काइरल हमारे पास एटम है वो एनेंशियमर भी है, क्योंकि एनेंशियमर क्या होता है, मिरर इमेजेस होती हैं
ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो इन्होंने यही चीज सेम हमारे पास एग्जाम्पल से बता रखी है क्यूब ब्यूटेनॉल से। यहाँ पे नीचे देखें कि मिरर इमेजेस है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कायरल। ठीक है, हमारे पास कायरल हो गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन जनरल अ मॉलिक्यूल विद नॉन स्टीरियोजेनिक सेंटर विल नॉट बी कायरल। ठीक है, तो जिसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा तो वो कायरल नहीं है। देयर आर एक्सेप्शन टू दिस। ठीक है, इन्होंने कुछ एक्सेप्शन दे रखी हैं कि ऐसा हो सकता है हमारे पास कि कोई बड़ा कंपाउंड है उसमें अगर हमारे पास विद टू और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर अ मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी कायरल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि एक कायरल हो हमारे पास, दूसरा कायरल ना हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास पूरा कंपाउंड कायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ए कायरल मॉलिक्यूल्स है उसमें इन्होंने बोल रखा है कि यूजुअली कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमिट्री बट कायरल मॉलिक्यूल्स डू नॉट। ठीक है, अ प्लेन ऑफ सिमिट्री इज अ मिरर प्लेन दैट कट्स अ मॉलिक्यूल इन हाफ सो दैट वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ। तो क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमिट्री हमें किससे बोल रहे हैं इसमें, कि हम एक प्लेन ऑफ सिमिट्री उसको बोला जा रहा है कि मिरर प्लेन में क्या करता है वो, एक मॉलिक्यूल को दो हाफ में ऐसा डिवाइड कर देता है कि वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हो जाती हैं। ठीक है, और वो मैक्सिमम क्या होती है, सुपर इम्पोजिबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले रखी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है पहले ब्रोमो क्लोरो मिथेन में दे रखा है कि ठीक है इनकी सिमिट्री है प्लेन ऑफ सिमिट्री, तो ये एक आयरल मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, देन है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मिथेन। ठीक है, सेकेंड में तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है। अगर आप इनको दूसरी तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है, तो ये क्या है, कायरल एटम। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल, सॉरी। टू आइडेंटिकल अटैचमेंट्स ऑन sp3 कार्बन एटम एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कायरल सेंटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल हमारे पास कोई एटम्स लग जाते हैं हमारे, ठीक है, कार्बन के ऊपर, ठीक है, वैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3 ही हो, लेकिन क्या होता है फिर वो उसकी कायरलिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो कायरल सेंटर नहीं रह जाता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे समरी है कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो एवरीथिंग हैज अ मिरर इमेज। ठीक है, हर चीज की मिरर इमेज होती है। ठीक है, द फंडामेंटल क्वेश्चन इज वेदर द मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेजेस आर सुपर इम्पोजेबल और नॉट। ठीक है, कि मेन क्वेश्चन यही है कि हमारे पास जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल है या नहीं। ठीक है, अगर तो बोल रहे हैं इफ अ मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है मिरर इमेजेस तो दैट मॉलिक्यूल विल बी कायरल। ठीक है, और अगर एक प्लेन ऑफ सिमिट्री है हमारे मॉलिक्यूल में, ठीक है, और मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो दैट वन विल बी अ कायरल एटम, ए कायरल, सॉरी। ठीक है,